हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे फ्रीजिंग मिक्सचर्स के बारे में। ना, फ्रीजिंग मिक्सचर्स का जो ये टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जब आप फेज रूल पढ़ते हो तो उसमें यह पढ़ाया जाता है, एक टॉपिक है। एंड ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप मास्टर्स में जाओगे तो आपको क्रायोस्कोपिक के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएंगे, जहाँ पे आपको बैकमैन थर्मोमीटर दिया जाएगा और आपको ये पता करना होगा, या जहाँ पे आप यूटेक्टिक मिक्सचर्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करोगे या करोगे। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, ये इस चीज़ में भी समझने में मदद करता है कि कुल्फ़ी वाले के पास कुल्फ़ी ठंडी क्यों होती है, आइसक्रीम वाले के पास आइसक्रीम इतनी ठंडी क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर वो फ्रीजिंग मिक्सचर्स को यूज़ करता है। तो फ्रीजिंग मिक्सचर्स क्या होते हैं, इनके पीछे की थ्योरी क्या होती है, चलिए उसको समझना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास, कंसिडर कीजिए आपके पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर आपने यहाँ पर एक इस तरीके का दूसरा कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके का दूसरा कंटेनर रखा हुआ है। और इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए आपने कोई लिक्विड रख दिया है, आपने कोई लिक्विड रख दिया है, कोई भी लिक्विड, या मान लेते पानी है या कुछ भी है, कोई अनदर लिक्विड है, एक्स वाई जेड लिक्विड है, पानी नहीं है, एक्स वाई जेड लिक्विड है। और यहाँ आपने भर भर के आइस रख दी है, बर्फ़ जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यहाँ पे बर्फ है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर बर्फ़ है। अब आपने क्या किया, आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, मान लेते हम NaCl नमक ऐड कर रहे हैं। अब जैसे ही आप नमक ऐड करते हैं, नमक की जगह आप कोई और भी सल्यूट ले सकते थे, हम नमक लेते हैं क्योंकि नमक जो है वो पानी में डिजोल्व बहुत जल्दी हो जाता है, अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, तो हमने नमक ले लिया। अब हम यहाँ नोटिस करते हैं, यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा देते हैं, यहाँ एक थर्मोमीटर लगा देते हैं इस तरीके से, और इसको हम छोड़ देते हैं। हम ये नोटिस करते हैं कि इस बर्फ़ के अंदर जैसे ही थोड़ा सा नमक डाला जाता है इस लिक्विड का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि भाई बर्फ़ के अंदर नमक डालने से इसका टेम्परेचर क्यों गिरेगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका पानी होता है, पानी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बन जाता है, पर बर्फ़ बनने के बाद वहाँ पर एक प्रोसेस होता है। देखो, हम लोगों ने जब बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं, तब हम पढ़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे ऐसा नहीं होता कि इवोपरेशन ख़त्म हो जाता है, इवोपरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर लिक्विड रहता ही रहता है। इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस आपका पानी जो कि लिक्विड स्टेट में है, वो इक्विलिब्रियम में होता है पानी जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, जिसको आप आइस कहते हो। मतलब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी जो बर्फ़ होती है उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड का जो पानी होता है, वो लिक्विड वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही आप उसके अंदर नमक ऐड करते हो, आप उसके अंदर नमक NaCl जब आप ऐड करते हो, तो वो नमक आने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है, वो इस सरफेस के ऊपर गिरेगा, सरफेस के ऊपर आप उसको छिड़क रहे हो, और उसका थोड़ा सा नमक, वो जो पानी है वहाँ पे लिक्विड जैसा पानी है, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब आपका ये जो पानी आप देख रहे थे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, ये जो बर्फ़ आप देख रहे थे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, एवरीथिंग वॉज एट 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जैसे ही तुमने वहाँ पे नमक ऐड करना शुरू कर दिया, वो नमक पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला काम यहाँ पर होता है डिसोल्यूशन, नमक का पानी में डिसॉल्व होना, और डिसोल्यूशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। डिसोल्यूशन कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब नमक को अगर पानी में डिसॉल्व होना है उसे एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा, ऑब्वियस ही बात है वो बर्फ़ में से ही उस एनर्जी को लेगा। और वहाँ पर जो पानी था, आप कभी बर्फ़ को हाथ लगा के देखना, आपको थोड़ा बहुत सरफेस के ऊपर मॉइस्ट आपको पानी और थोड़ा बहुत वेपर्स वगैरह हल्का हल्का उड़ता हुआ दिखाई देगा। मतलब पानी जब बर्फ़ बनता तो ऐसा नहीं होता परफेक्ट एकदम लोहे की तरफ बर्फ़ बन जाता है कि बिल्कुल लिक्विड ही नहीं होता है, हल्का फुल्का वहाँ पे लिक्विड हमेशा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो जब ये नमक उसके अंदर डिसॉल्व होता है तो डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसे एनर्जी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे ही नमक उस पानी में डिसॉल्व हो जाता है, वो इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कर देता है। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जब कोई सल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। मतलब कहानी ऐसे है कि आपकी बर्फ़ यहाँ पे रखी हुई थी, बर्फ़ था, बर्फ़ के साथ उसका पानी था, और दोनों खुशी परिवार, सुख समृद्ध परिवार जी रहे थे। आपके पास आइस थी, और इस तरीके से आइस थी, थोड़ा बहुत बगल बगल में पानी था, सुख समृद्ध परिवार था, आपने नमक को ऐड कर दिया, नमक ने आके भौंचाल मचा दिया, नमक पहले तो पानी में डिसॉल्व हो गया, पानी में डिसॉल्व होने के बाद उससे एनर्जी सक कर ली, एनर्जी छीन ली पानी की। दूसरी बात, उसके बाद वो बर्फ़ को जाके बोलता है, बर्फ़ चल अब तेरा फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री नहीं रहेगा, तेरा फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाएगा। तो नमक दो काम कर रहा है, पहला काम क्या कर रहा है, खुद पानी में डिसॉल्व हो रहा है, जिसके लिए उसको एंडोथर्मिक एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा, सिंस वो डिसॉल्व हो रहा है, वो बर्फ़ जो कि सख्त खड़ी है उसको भी मेल्ट करना शुरू कर देगा, मेल्ट करना क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का लोवरिंग हो गया है।
तो जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट लो, अब वो जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ नहीं रह सकती, उसमें से एनर्जी कौन, वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। क्यों मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी? क्योंकि नमक ने फ्रीजिंग पॉइंट को लोवर कर दिया। आई होप आप लोगों ने पढ़ा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो आइस का मेल्टिंग, आइस का मेल्टिंग, क्योंकि अब तक जो सॉलिड थी जीरो पे, अब वो 0 डिग्री पे सॉलिड नहीं रही, वो मेल्ट हो जाएगी क्योंकि सल्यूट आ गया है। तो ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसको भी, मेल्टिंग ऑफ आइस को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये बर्फ़ जो यहाँ पे है, इस बर्फ़ को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ये बर्फ़ को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जहाँ पर आपने नमक अभी अभी छिड़क दिया है, नमक यहाँ पर आ गया है, ये बर्फ़ अब धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ दो प्रोसेस हो रहे हैं जो दोनों एंडोथर्मिक हैं, नमक का डिजोल्यूशन और बर्फ़ का मेल्टिंग। अब अगर ये सिस्टम के पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो कि आपके नमक के मेल्ट होने वाले चीज़ को और बर्फ़ की मेल्ट होने वाले, नमक के डिसॉल्व होने वाले को और बर्फ़ के मेल्ट होने वाले को अगर एनर्जी कहीं बाहर से मिल जाए, मतलब मैं बर्फ़ हूँ, नमक मेरे पास आया, नमक मेरे अंदर आके डिसॉल्व हो गया, वेरी गुड, तेरे को एनर्जी चाहिए, मैं बाहर से ला के दूंगा, तो मुझे मेल्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैं मेल्ट हो जाऊंगा, मैं बाहर से एनर्जी लेके आऊंगा। अगर कहीं बाहर से एनर्जी मिल जाए तो फिर तो क्या बात है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इस सब्सटेंस को इंसुलेट करके रख दिया है, और इंसुलेट कर दिया है एक इंसुलेटर के अंदर, एक ऐसे अपैरेटस के अंदर जहाँ बाहर से अंदर बाहर एनर्जी ना जा सके, एडियाबेटिक प्रोसेस बना दिया है। इसको क्लोज सिस्टम एक तरीके से आप कह सकते हो कि एनर्जी अंदर से बाहर नहीं जाएगी और बाहर से अंदर नहीं आएगी। तो अब सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी चाहिए, अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी ही एनर्जी को यूज़ करे और अपनी एनर्जी को यूज़ करके वो डिसॉल्व करे, नमक को बोले आजा बेटा नमक तो डिसॉल्व हो जा, मैं तेरे को एनर्जी देता हूँ तो मैं ठंडा हो जाऊँगा, और मैं खुद मेल्ट हो रहा हूँ, मैं मेल्ट हो रहा हूँ तो सर मेल्ट होता है तो एनर्जी चाहिए, हाँ ठीक है एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ मेल्ट होने में, तो एनर्जी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर गिरेगा तो बर्फ़ बनना चाहिए, पर नहीं बनता है बर्फ़। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी तो कम हो गया। बर्फ़ तब बनता जब मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री ही रहता। सी समझने की कोशिश कीजिए, नमक ने दो काम किया है, पहला काम फ्रीजिंग पॉइंट जो 0 डिग्री था मान लीजिए उसको -2 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, अब नमक क्या करेगा, खुद डिसॉल्व होगा और बर्फ़ को मेल्ट करेगा, -2 पे आने के बाद फिर से वो फ्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी बर्फ़, तो पर 0 पे अब बर्फ़ फ्रीज नहीं होगी। तो इस केस में आपकी बर्फ़ क्या करती है, इस केस में आपकी बर्फ़ बढ़िया काम करती है थर्मोडायनामिक्स का। तुमने यहाँ एक लिक्विड डाला हुआ है, यहाँ नमक आया है, नमक मेल्ट डिसॉल्व हो रहा है, बर्फ़ मेल्ट हो रही है, उनको चाहिए एनर्जी, वो अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और अपनी एनर्जी यूज़ करके मेल्ट हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और आपने जो लिक्विड रखा हुआ है उनके बीच में, जो आइसक्रीम वाला रखता है ड्रम, उसके अंदर जो आइसक्रीम है वो अभी भी लिक्विड है मान लेते हैं, तो वो अभी भी हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ से आप इमेजिन कर लीजिए अब क्या होगा, यहाँ से एनर्जी निकल कर यहाँ जानी शुरू हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, दो काम हो रहे हैं, मतलब मैं बर्फ़ हूँ, मैं किसी के साथ हाथ पकड़ के खड़ा हुआ हूँ, मैं किसी के साथ टच में, जैसे मान लीजिए ये लिक्विड है, मैं इसके टच में हूँ, नमक मेरे पास आता है, नमक आने के बाद मेरा फ्रीजिंग पॉइंट गिरा देता है, मुझसे एनर्जी छीन लेता है, एनर्जी छीनने के बाद खुद मेल्ट डिसॉल्व हो जाता है और मुझे मेल्ट कर देता है, हम दोनों को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मैं ठंडा होने लग गया, अब ऐसे कैसे चलेगा, तो मैं इस लिक्विड में से एनर्जी निकालूंगा, भाई देख मेरी एनर्जी वो ले रहा तो तुझे मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, सेम प्रोसेस यहाँ हुआ। तो जैसे ही आप बर्फ़ के ऊपर नमक डालना शुरू करोगे तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी जाएगी और ये सब्सटेंस ठंडा हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जब आपको मैं इसकी एक इमेज दिखाता हूँ, इस इमेज को देखिए, ये आपके पास जो थर्मोमीटर है, ये बैकमैन थर्मोमीटर है, हाईली सेंसिटिव, 1-1 डिग्री सेल्सियस के का उसके अंदर का भी चेंज आपको बता सकता है। ये आपने डाल दिया एक अपैरेटस जिसमें आपने ला के रख दिया एक लिक्विड को, ये लिक्विड है, अब अगर ये फ्रीज होगा, अब ये फ्रीज कैसे होगा, जब कोई इसमें से एनर्जी खींचेगा, जब इसमें से कोई एनर्जी कब खींचेगा, जब यहाँ की आइस के ऊपर नमक आके गिरेगा, जब नमक उसके ऊपर आके गिरेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिरा देगा, उसमें से एनर्जी ले लेगा, उसको मेल्ट करवा देगा, लिक्विड बना देगा, खुद डिसॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, अब यहाँ एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है, तो यहाँ से एनर्जी यहाँ आने लगेगी और इस तरीके से ये लिक्विड धीरे धीरे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस मुझे अभी भी याद है, जब हम मास्टर्स कर रहे थे तब हमें ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता था। हम एक्चुअली इसमें क्या करते हैं, हम एक ट्यूब लेते हैं, ये वाली ट्यूब, और इसमें हम दो सॉलिड लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सिल्वर को ले लिया और सिल्वर के साथ मान लीजिए मैंने ले लिया आयन को, ठीक है, और सिल्वर और आयन को हम यहाँ मेल्ट करते हैं हीट कर करके मेल्ट करते हैं, दोनों को बना देते हैं लिक्विड, अब दोनों बन गए लिक्विड, अब इसको हम यहाँ डाल देते हैं, तो यहाँ अंदर मेरे पास आयन है और अंदर मेरे पास सिल्वर है, अलग अलग कॉम्पोजिशन में लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने जो आयन लिया था वो 60% था और यहाँ पर जो मैंने मान लेते हैं सिल्वर जो लिया था वो 40% था,
40-60 का रेशियो था। अब इस 40-60 के रेशियो को जो कि लिक्विड स्टेट में है, मैं यहाँ पे नमक डाल देता हूँ, नमक डाल के सिस्टम को छोड़ देता हूँ, धीरे धीरे वो नमक आइस के अंदर से एनर्जी को लेगा, ये मेल्ट होगा तो ये यहाँ से एनर्जी लेगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर स्लो स्लो गिरेगा, धीरे 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 गिरता जाएगा, और एक टाइम आएगा या तो आयन पहले फ्रीज होगा या तो सिल्वर। अब ये जो है ये मैंने यूटेक्टिक में आपको सिखाया हुआ है, अगर आप फेज रूल में यूटेक्टिक को देखोगे, यूटेक्टिक के बारे में जहाँ पर आपको इस तरीके से ग्राफ मैंने आपको बताया है कि कैसे होता है, ये स्टडी कैसे करते हैं, ये स्टडी इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे करते हैं। तो यहाँ इसको पढ़ाई किया जाता है जहाँ पर आप, तो ये जो आपने नमक का और आपने आइस का जो मिक्सचर बनाया, इस मिक्सचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पर नमक आइस के अंदर जाके डिसॉल्व होके उसकी एनर्जी लेके उसको मेल्ट करके एनर्जी यूज़ करता है, और अगर ये उस समय किसी के कांटेक्ट में होगा तो एनर्जी फिर वहाँ सप्लाई हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप हो, आपके पप्पा हैं और आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, डिपेंडिंग अपन आपका जेंडर क्या है, अब आप उनके साथ डेट पे चले गए हो तो पैसा आप यूज़ करना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, पैसा आएगा कहाँ से? अगर हमारा ही पैसा हुआ तो पैसा कम हो जाएगा, अगर हमारे पप्पा का पैसा हुआ तो हम पप्पा से लेंगे खर्चा यहाँ करेंगे, पप्पा से लेंगे खर्चा यहाँ करेंगे। तो बात वही है, ये नमक है ये पानी है, दोनों की जुगलबंदी चलती है, दोनों एक दूसरे को मेल्ट करते हैं, और नमक आइस को मेल्ट कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट गिरा देता है, एनर्जी यूज़ कर लेता है, और एनर्जी आती कहाँ से है? जो सिस्टम उसके साथ कॉन्टैक्ट में है वहाँ से एनर्जी बाहर निकल के चली जाती है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो स्टूडेंट मास्टर्स कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं और जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उन्हें बताइए कि भैया जो तुम कर रहे हो उसके पीछे की थ्योरी ये है, फ्रीजिंग मिक्सचर की थ्योरी ये है, उन्हें बताइए, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वैसे तो अभी कोरोना टाइम में किसी के एक्सपेरिमेंट हुए नहीं होंगे, बट अगर आप लोगों ने किए होंगे तो ये थ्योरी बहुत सारे बच्चों को नहीं समझती। क्वेश्चन जरूर आया होगा, आइसक्रीम इतनी ठंडी रह कैसे जाती है, वो क्या है जो बगल बगल में? बहुत सारे अजीब अजीब आंसर होते हैं, सर लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं वो लोग। लिक्विड नाइट्रोजन? अरे कोई लिक्विड नाइट्रोजन मार्केट में मिलता है, कोई लेके डाल देगा? नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन नहीं डालते, वो वहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर डालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।